एक लड़का और एक बाघ समुद्र में फंस चुके हैं। बाघ को उसे खाने से रोकने के लिए लड़का अपनी पैंट उतारकर सभी जगह पर पेशाब कर देता है। वो एक लाइन खींचना चाहता था ताकि बाघ सीमा पार न करे, लेकिन सभी जानवरों के राजा के रूप में बाघ एकमात्र मानव से कैसे डर सकता है। उसने अपना पिछवाड़ा दिखाया और फिर बड़ी तेज से उसका मुंह धो डाला। अपने आप को बचाने के लिए उसे फिर से अपने बेड़े में वापस जाना पड़ेगा। बाघ ने 10 दिनों से कुछ नहीं खाया था। आमतौर पर वो एक दिन में 5 किलोग्राम मांस खाता है। भूखा बाघ किसी भी समय उस पर कूद सकता है। वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता है, भले ही वो पानी की पार हो। इसलिए लड़के ने बिस्कुट का इस्तेमाल चारे के लिए किया, जिससे वो मछली को पकड़कर बाघ को खिलाकर उसका पेट भर सके। लेकिन इससे पहले कि वो बड़ी मछली को पकड़ पाता, बाघ पहले से ही बहुत भूखा था। वो मछली को खाने के लिए समुद्र में कूद गया। सड़क पर वो सभी जानवरों का राजा है, लेकिन समुद्र में वो एक भीगी बिल्ली की तरह है, जिसके सिर्फ बड़े बड़े नुकीले दांत बाहर निकले थे। ये देखकर लड़का अपने आप को रोक नहीं पाता है और बाघ की मूर्खता पर हंसने लगता है। लेकिन जल्दी वो अब और नहीं हंस सकता था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बाघ तेजी से उसकी ओर आने लगता है। ये देखकर वो रस्सी को पकड़कर नाव में जाने लगता है। वो समय रहते नाव में कूद जाता है। फिर वो बेड़े को ऊपर उठा लेता है ताकि बाघ उसे अब और चोट न पहुंचा सके। बाघ ने अपना सिर घुमाया और किनारे पर चढ़ने की कोशिश की। तभी लड़के ने अपनी कुल्हाड़ी